जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शिवांगी भट्ट और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीसी नेवी के सबसे इंटरेस्टिंग कैंप के बारे में, विच इज योर शिप अटैचमेंट कैंप। और बहुत ही एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग कैंप होता है आपका एनसीसी नेवल विंग का, जिसमें जो आपके कैडेट्स हैं, ठीक है, उनको वॉरशिप में रहने का, लाइक इंडियन नेवी की वॉरशिप में रहने का मौका मिलता है। और ड्यूरिंग स्टे आपका जो कैडेट्स हैं, ठीक है, उनको एक्सपोजर मिलता है आपके इंडियन नेवी की एक्टिविटीज़ में, और इंडियन नेवी का जो एक लाइफस्टाइल है, ठीक है, वो चीज़ कैसी आपकी होती है। और मतलब एक जब आपकी शिप जो है, ठीक है, जब वो आपकी सी में उतरती है, तो वहाँ पे आपका एक जो एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, इट इज़ जस्ट मार्वलस। और ऐसा एक्सपीरियंस शायद ही कोई एनसीसी कैडेट अपनी लाइफ में कभी ना। तो चलिए बात करते हैं अब इस कैंप की डिटेल्स के बारे में, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान देना है जिस चीज़ पर, दैट इज़ योर कि ये जो कैंप है ना आपका, ये सिर्फ एसडीज का कैंप है, लाइक ओनली नेवल कैडेट बॉयज दे कैन गो, ठीक है, एसडब्ल्यूज इसमें नहीं जा सकती। अगली चीज़ ये कि आपका जो ये कैंप है, ठीक है, ये आपका नॉर्मली दो बार लगता है एक ईयर में। सबसे पहली बार जब ये लगता है, जून जुलाई के महीने के अप्रॉक्स लगता है, आपका सदर्न नेवल कमांड जो आपकी कोची में लोकेटेड है, ठीक है, वहां पे ये लगता है। और दूसरा ये आपका नवंबर दिसंबर के मंथ के अप्रॉक्स आपका वेस्टर्न नेवल कमांड जो कि आपकी मुंबई में लोकेटेड है वहां पे लगता है, ठीक है। तो देखो ये एज यू ऑल नो, ठीक है, अभी दो साल से जो कोविड पैंडेमिक चला है, जिसकी वजह से काफी सारे एनसीसी के कैंप्स आपके पोस्टपोन हो गए हैं, मतलब नहीं हुए हैं। तो सिमिलरली आपका जो ये शिप अटैचमेंट कैंप है, ये भी आपके दो साल से नहीं लगा है ड्यू टू कोविड पैंडेमिक। नॉर्मली कैडेट्स को 10 से 12 डेज के लिए आपका शिप पे रहना पड़ता है। तो आपकी जो नेवल बेस पे जो भी आपकी शिप अवेलेबल होती है उस टाइम पे, तो उसी शिप के अकॉर्डिंग कैडेट्स को ना डिवाइड कर लिया जाता है उनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर आपकी जो शिप्स, मतलब जिनको, मतलब इस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसमें आपकी यूजुअली INS शार्दुल, INS सुजाता, INS तीर जैसी शिप्स आती हैं। शिप पे कैडेट्स को शिप के डिपार्टमेंट्स, नेवल एक्टिविटीज़ और शिप की जो बेसिक फंक्शंस हैं, ठीक है, उसके बारे में नॉलेज दी जाती है। स्टार्टिंग के कुछ डेज में आपकी जो शिप होती है वो आपकी बेस पर ही होती है ना, लेकिन जो आपके कैडेट्स हैं उनको शिप शॉर्टी के लिए भी लेके जाया जाता है। शॉर्टी आपका वो चीज़ होती है कि जब आपकी शिप, ठीक है, वो आपकी पानी पे उतरती है, जब आपकी शिप सी में उतरती है, तो बहुत सारे कैडेट्स को ना सी सिकनेस हो जाती है, ठीक है, जिसको हम लोग फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग से भी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जो शिप का जो टाइम टेबल होता है ना, वो आपके नॉर्मल डेज के टाइम टेबल से बहुत डिफरेंट होता है। तो जब कैडेट्स आपकी शिप पे जाते हैं तो दे हैव टू फॉलो दैट टाइम टेबल, ठीक है। तो जब आपकी शिप बेस पर होती है तो उस टाइम पाइप डाउन के बाद, ठीक है, कैडेट्स अपने इंस्ट्रक्टर्स के साथ बेस देखने के लिए या बेस घूमने के लिए भी जा सकते हैं। डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है प्रॉपर, और जो भी मतलब उन लोगों ने प्लान करा होता है कि भैया हम ये बेसिस को घुमाएंगे कैडेट्स को, या फिर यहाँ यहाँ उनको दिखाएंगे, ये चीज़ें बताएंगे, तो वो चीज़ें भैया आपका फिर प्लान के अकॉर्डिंग, द वे दे हैव प्लान, ठीक है, वो चीज़ें होती हैं। हम एक बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या मोबाइल फोन्स आप मतलब ले जा सकते हैं, आप नॉर्मल कैंप्स में ले जाते हो मोबाइल फोन्स? तो देखो आप कैरी डेफिनेटली कर सकते हो अपने पास, लेकिन वही चीज़ है कि आपको स्विच ऑफ करके रखना पड़ेगा, ठीक है, अपने बैग्स में रखना पड़ेगा, या आप अपने मोबाइल फोन को सिर्फ तभी यूज कर सकते हो जब आप मेस में जाते हो, ठीक है। अदरवाइज अगर आपके कोई और स्टाफ ने वहाँ आपको, तो दे कैन जस्ट कीप योर फोन विद यू, ठीक है, जितने भी टाइम आप वहाँ पे स्टे करते हैं। तो अब बात करते हैं हम लोग शिप अटैचमेंट की सिलेक्शन के बारे में। तो इस बड़ा क्राइटेरिया नहीं है, सबसे पहली बात तो जो कैडेट्स इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, क्वालिफाइंग द स्विमिंग टेस्ट, ठीक है, आप इस आप शिप में नहीं जा सकते, ठीक है। तो देखिए अब सब डायरेक्टरेट्स का अपना अपना है, कुछ डायरेक्टरेट्स आपका बी सर्टिफिकेट को प्रायोरिटी मानती हैं कि बी सर्टिफिकेट आपका चाहिए ही चाहिए, ठीक है, आपका शिप अटैचमेंट जाने के लिए, ठीक है, कुछ डायरेक्टरेट्स ऐसा नहीं करती, ठीक है। अगली चीज़ ये कि आपका जो ये कैंप है, दिस इज ओनली फॉर बॉयज़ एज आई टोल्ड यू बिफोर, ठीक है, गर्ल्स नहीं जा सकती इसमें। हालांकि गर्ल्स जब INA जाती हैं या NSC टाइम पे उनको शिप का टूर करवाया जाता है। तो ये थी हमारी शिप अटैचमेंट कैंप के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो, फर्दर कुछ क्वेरीज हो, तो यू कैन जस्ट राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर इट। मिलते हैं अगली वीडियो में विद अ फ्रेश न्यू टॉपिक, टिल देन टेक केयर, जय हिंद।